हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश चैनल। आज हमारे इस चैनल पे हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी बायोलॉजी सब्जेक्ट की, वहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं नेक्स्ट वाला टॉपिक जो है हमारे चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन प्लांट से। और इस चैप्टर में हमने ऑलमोस्ट नियर अबाउट सभी ख़त्म कर दिया और ये शायद हमारा आज का लास्ट का लेक्चर रहने वाला है इस चैप्टर में। तो चलिए चल कर देखते हैं कि आज हमें क्या स्टडी करना है। सो बच्चों, आज हमें जो पॉइंट स्टडी करना है ये है कि एम्ब्रियो कैसे बनता है। ठीक है, हमने लास्ट तक के लेक्चर में क्या देखा था कि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन देखा था, फिर हमने देखा था कि पोलन ग्रेन उस हमारा जो एग सेल है या फिर उस पोर है वहाँ तक कैसे जा रहा है, उसके बाद में क्या हो रहा है, ये हमें आज देखना है। ठीक है, सो आज हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो, सो देखो बच्चों, एम्ब्रियो जब भी कोई एक नई लाइफ, एक नया जीवन शुरू होता है, उसके इनिशियल की जो स्टेज होती है ना, ये एम्ब्रियो होता है। और इसका डेवलपमेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि ये कैसे होता है, क्या होता है। ये ह्यूमंस में भी है, एनिमल्स में भी है और प्लांट्स में भी है। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी एम्ब्रियो किस तरह से बनता है, इसकी स्टडी करने वाले हैं हम रिलेटेड टू प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स में एम्ब्रियो किस तरह से बनता है आज हमें ये स्टडी करना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमने जो लास्ट तक के लेक्चर देखे थे ना, अगर लास्ट का लेक्चर नहीं देखा ना तो ये वाला नहीं समझ में आने वाला। ठीक है, सो इस लेक्चर के मतलब इस लेक्चर को सुनने से पहले लास्ट वाला लेक्चर ज़रूर देख लेना। चलो हम अब आगे बढ़ने वाले हैं और हम शुरू करने वाले हैं एम्ब्रियोजेनेसिस के, कैसे होता है एक एम्ब्रियो का सिंथेसिस। अभी देखो बच्चों, जहाँ पे भी एक वर्ड ये जो है जेनेसिस आपको बहुत रिपीट आने वाला है, इसका मीनिंग होता है फॉर्मेशन, कुछ बनाना। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? जेनेसिस। सो उसी प्रकार से इस जेनेसिस के आगे लगा दिया एम्ब्रियो, सो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? जेनेसिस का मीनिंग होता है फॉर्मेशन या फिर कुछ बनना, या फिर इसी को एक और नया वर्ड, एक और वर्ड है जो आप लिख सकते हैं सिंथेसिस। सो जब आपको डेफिनेशन लिखने की बात आने वाली है, उस टाइम पे आप ये कह सकते हैं कि एम्ब्रियो का सिंथेसिस या फिर एम्ब्रियो बनना। एम्ब्रियो कहाँ से बनने वाला है बच्चों? एम्ब्रियो के पहले वाली जो स्टेज होती है उसे जायगोट कहते हैं। ठीक है, सो जायगोट के ऊपर और बहुत सारे सेल डिविजन्स होते हैं, देन ग्रोथ होता है और उसके बाद फिर एम्ब्रियो बनता है। सो ये स्टेप्स, मतलब इस बारे में कंफ्यूज नहीं होना, पहले जायगोट बनने वाला है और जायगोट के बनने के बाद ही हमें एम्ब्रियो मिलने वाला है। सो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो कहाँ से? फ्रॉम जायगोट। इस प्रोसीजर को क्या कहने वाले हैं हम लोग? इसे हम कहने वाले हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। सो अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं और स्टार्ट करते हैं हम एक्चुअल प्रोसीजर ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस, लेट्स गो। ओके, सो ऐसा एक डायग्राम आपको आपके स्टेट बुक के आपके स्टेट बोर्ड का जो बुक है बायोलॉजी का, उसमें दिया हुआ है। डायग्राम देख के तो ऐसे लगता है कि अरे भाई ये क्या है। ठीक है, कन्फ्यूजन, डर, बट एक्चुअली ये डायग्राम काफ़ी सिंपल है और इसे समझ के लेने की ज़रूरत है। ठीक है, सो अगर आपके पास अभी आपका टेक्स्ट बुक हो सो आप ओपन कीजिए और आपका जो पेज नंबर है इस वाले चैप्टर का, स्पेशली इस डायग्राम का, दैट इज़ पेज नंबर 12, 1 to 12, सो उसको ओपन करो और उसमें भी देखो साथ ही में। ठीक है, ताकि आपको एक भी पॉइंट के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। ओके, और बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनता ही बनता है। ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस के। सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एक एक डायग्राम को हमें अच्छे से देखना है। सो देखो बच्चों, फर्स्ट वाला, अभी देखो इस बुक में यहाँ पे डायग्राम है और उसका जो नाम है इधर से दिया हुआ है। ठीक है, सो फर्स्ट क्या होने वाला है? सो फर्स्ट क्या होता है? यहाँ पे है ओस्पोर। ठीक है, ओस्पोर यानी जहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट है। फिर हमने देखा था कि वहाँ पे कौन आ जाता है? जो पोलन ग्रेन में से निकला था मेल गैमेट, वो आ गया। मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है और वहाँ से एक ज़िंदगी की शुरुआत होती है नई, जो है जायगोट। उसी जायगोट से आगे हम बना रहे हैं अभी एम्ब्रियो, सो उसका प्रोसीजर हमें देखना है। तो सबसे पहले ये वाला जो ओस्पोर है, इसमें एक ही सेल डिवीजन होता है और वो एक सेल डिवीजन होने के बाद यहाँ पे एक सेल के दो हिस्से हो जाते हैं, दो हिस्से हो रहे हैं एक सेल के। नीचे वाला जो हिस्सा है, देखो बच्चों, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन कैसा है? बड़ा है। ऊपर वाला जो पोर्शन है ये है छोटा।
ठीक है। अभी ये जो कंप्लीट ये जितने भी डायग्राम है ना बच्चों, इसके बारे में कंफ्यूज नहीं होना। मैंने आपको जब हमने ओव्यूल पढ़ा था उसी टाइम पे बताया था कि जो ओव्यूल है इसका डायग्राम आपको ऐसा घुमा के दिया हुआ, यानी वो उल्टा है, ठीक है। सो यहाँ पे जब बात आने वाली है आगे के सेल्स की, तो वहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है कि स्पेशली ये जो लंबा वाला पोर्शन दिख रहा है ना आपको, सो इसके सेल्स के बारे में जब डिस्क्रिप्शन देते हैं, सो यहाँ पे जो सेल आपको एकदम ऊपर नज़र आ रहा है उसको डिस्क्रिप्शन में कहा जाता है कि जो आपका लास्ट वाला सेल है, वो जो लास्ट वाला सेल नज़र आ रहा है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको कहा जाएगा बुक में कि जो फर्स्ट है। सो ये फर्स्ट इसको क्यों कहा, या कोई प्रिंट मिस्टेक है क्या? नहीं है। ये क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये पूरा इन्वर्टेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। माइक्रोपाइल और चलाजा याद है आपको? ओके, हमने जो इस तरह से दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, देखो बच्चों जो हमने एनाट्रोपस ओव्यूल स्टडी किया था ना, उस वाले ओव्यूल में ओके, इस वाले ऐसा जो स्ट्रक्चर था, यहां पे था हमारा माइक्रोपाइलर एंड और ये था हमारा छलाजल एंड और यहां पे था एम्ब्रियो सैक, ठीक है। सो ये जो माइक्रोपाइलर एंड होता है ये एक्चुअली ऊपर है, ऊपर की साइड पे प्रेजेंट है, और ये जो छलाजल एंड है ना बच्चों, नीचे की साइड पे प्रेजेंट है। ये ओव्यूल बस आपको दिखाने के लिए इस तरह से दिखाया गया था ताकि वो इजीली समझ में आए, ठीक है। बट आने वाले अभी आगे जितना भी हम सेल डिवीजन पढ़ने वाले हैं यहाँ पे एम्ब्रियोजेनेसिस में, सो एम्ब्रियोजेनेसिस में आपको ये बात कंसिडर करना है कि ये वाला जो ओव्यूल जो हमने स्टडी किया है ये कैसा है। इसका छलाजल एंड एक्चुअली ऐसा नीचे है, ये माइक्रोपाइलर एंड है इस तरह से, यहाँ पे है एम्ब्रियो सैक, और ये जो वाला इधर जो है ये होता है आपको जो हमने पढ़ा था ना फनिकल वगैरह, ये सब वो पोर्शन है, ठीक है। सो ये बात अच्छे से याद रखो कि माइक्रोपाइलर एंड जो है ये यहाँ पे है, ओके एक्चुअली। सो इसलिए इनिशियल और लास्ट ऐसे जब वर्ड्स आने वाले हैं ना आगे, सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो देखो बच्चों, ये है मेन स्टेप्स कि कैसे हुआ है सेल डिवीजन, ठीक है। अभी हम इसके थ्रू जाने से पहले हम एक काम करते हैं, हम हमारे तरफ से कुछ डायग्राम्स ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको ये इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। सो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ओके ओके, सो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो को हमें स्टार्ट करना है, और हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं हमारे जाइगोट या फिर ओस्पोर्स, ठीक है। सो ये है फर्स्ट सेल हमारा, ओके। और अभी ये वाला जो सेल है ये कितना है, एक ही सेल है, न्यूक्लियस निकालना नहीं भूलना है, और ये है हमारा ओस्पोर। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी एम्ब्रियोजेनेसिस की जो प्रोसीजर है ये स्टार्ट हो चुकी है। फर्स्ट सेल डिवीजन हो जाने के बाद यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट सेल डिवीजन हो गया और अभी यहाँ पे एक बीच में दीवार बन गई, देखो, ठीक है। एक बीच में ट्रांसवर्स सेक्शन बन जाता है, इस वाले स्टेज को कहते हैं टू सेल्ड प्रो एम्ब्रियो। टू सेल क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सेल कितने हैं, दो है, और ये एम्ब्रियो के पहले वाला स्टेज है, एम्ब्रियो बनने से पहले, दैट्स व्हाई प्रो एम्ब्रियो, ठीक है। चल अभी देखो बच्चों, यहां पे छलाजल एंड एंड माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। अभी यहाँ पे जो पोर्शन छोटा सा रहने वाला है, साइज में स्मॉल रहने वाला है, वो है छलाजल एंड। ये है स्मॉल पोर्शन, स्मॉल एट द छलाजल एंड। मैं थोड़ा अच्छे हैंडराइटिंग में लिखने का ट्राई करती हूँ। सो देखो बच्चों, ये जो पोर्शन है ये है हमारा छलाजल एंड की तरफ का पोर्शन, और ये साइज में स्मॉल होता है, ठीक है। छलाजल एंड की तरफ प्रेजेंट है, साइज में कैसा है, ये स्मॉलर है। और अब क्या होने वाला है बच्चों, जो नीचे वाला पोर्शन है वो छलाजल के अपोजिट में क्या होता है, माइक्रोपाइल होता है। सो ये वाला कौन सा पोर्शन होने वाला है, ये वाला जो पोर्शन है ये होने वाला है हमारा माइक्रोपाइलर एंड,
ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ रहने वाला है और ये साइज में थोड़ा सा बिगर है, ठीक है, ऊपर वाले सेल के कंपैरिजन में ये बिगर है। और इन सेल्स को कौन कौन से नाम दिए गए हैं? सो देखो बच्चों, जो छलाजल एंड वाला जो पोर्शन है इसी को कहा गया है टर्मिनल सेल या फिर एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल। ठीक है, ये क्या है? टर्मिनल और एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल। ठीक है, चलो अब नीचे आ जाओ, वो है माइक्रोपाइलर सेल और इसी को कहा गया है बेसल या फिर सस्पेंसर इनिशियल सेल। ठीक है, जो माइक्रोपाइलर है इसी को क्या गया कहा गया है? इसी को कहा गया है बेसल। बेसल यानी क्या? यहाँ पे नीचे वाला, ठीक है, बेस, जो बेस कहते हैं ना, बेस, बेस घर का जैसे एक बेस होता है, हर चीज़ का एक बेस होता है जिसपे वो चीज़ स्टिकी होती है, सो उसी तरह से जो ये माइक्रोपाइलर पोर्शन है इसी को कहते हैं बेसल और या फिर जैसे यहाँ पे एम्ब्रियोनल का इनिशियल स्टेज था ये ऊपर वाला, सो वैसे ही जो नीचे वाला है माइक्रोपाइलर वाला ये क्या है? ये सस्पेंसर सेल का इनिशियल स्टेज है, सो दैट्स व्हाई इसी को कहेंगे सस्पेंसर इनिशियल सेल। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? देखो ये बस एक ही स्टेप है, इसमें क्या हुआ है, जो ऊस्पोर था इसका एक ही सेल डिवीजन हुआ है और उसके बाद इसके दो हिस्से बन गए, एक ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला जो है वो थोड़ा सा बड़ा है। जो छोटा है वो है छलाजल एंड, उसको याद रखो, छोटा छलाजल, छोटा छलाजल, ओके। और जो नीचे वाला है जो थोड़ा सा बिगर है ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ प्रेजेंट होने वाला है। अब जो छोटे वाला पोर्शन है ना बच्चों, ये आगे चल के हमारा एम्ब्रियो बनाने वाला है, सो दैट्स व्हाई ये इनिशियल स्टेप है, यानी ये पहले की स्टेप है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? एम्ब्रियोनल इनिशियल स्टेप, इनिशियल सेल या फिर एम्ब्रियोनल इनिशियल स्टेप। ठीक है, क्यों कहेंगे? क्योंकि जो छलाजल वाला ऊपर का जो छोटा पोर्शन है वही आगे एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने वाला है, जो इसके नीचे वाला पोर्शन है बच्चों, सो नीचे वाला पोर्शन है, नीचे है बेसल, ठीक है, बेसल या फिर टर्मिनल। टर्मिनल का मीनिंग क्या होता है? एंड वाला, आखिर वाला। ठीक है, सो ऊपर है हमारा एम्ब्रियो और जो नीचे है यहाँ से हमें सस्पेंसर सेल मिलने वाला है और ये सस्पेंसर सेल के पहले वाली स्टेप है, दैट्स वाई ये क्या है यहाँ पे सस्पेंसर इनिशियल, सस्पेंसर बनने के पहले वाला स्टेप, सस्पेंसर इनिशियल सेल। ठीक है, ये बस दो ही, मतलब ये बस एक सेल डिवीजन होने के बाद जो हमें दो अलग अलग सेल्स मिले हैं इसका डिस्क्रिप्शन था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी देखो इसके बाद होने वाले हैं 3 माइटोटिक डिवीजन। ये डिवीजन होने के बाद हमें एक ऑक्टेंट मिलने वाला है, ये हमारा छलाजल एंड के लिए होने वाला है। उसके पहले हम देखते हैं कि नीचे क्या चल रहा है। सो जो नीचे वाला पोर्शन है ये माइक्रोपाइलर, यहाँ पे भी कंटिन्यूसली सेल डिवीजन होने वाला है, ट्रांसवर्स डिवीजन होने वाला है और यहाँ पे क्या बनने वाले हैं? ट्रांसवर्स सेल्स नंबर, नंबर की बात की जाए तो ये 6 से 10 के बीच में होने वाले हैं। देखो कैसे होने वाले हैं। अभी यहाँ तक समझ में आया बच्चों आपको? 2 सेल्ड जो है हमारा, ओके, अब मैं यहाँ से इसके आगे वाला जो प्रोसीजर है यहाँ से नीचे ड्रॉ करती हूँ। सो इसके बाद क्या होने वाला है? ये जो नीचे वाला, ये ऊपर का एम्ब्रियो वाला है, ठीक है, ये छलाजल में जो था ना वो वाला, और जो नीचे का ये पोर्शन है ये ऐसा लंबा हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पे सेल डिवीजन होके से ट्रांसवर्स सेल बन रहा है। ट्रांसवर्स का मतलब समझ रहे बच्चों? ट्रांसवर्स यानी कैसे ऐसे आड़े आड़े बन रहे सेल्स, ओके, ये सब बन गए ट्रांसवर्स सेल्स। अभी ये ट्रांसवर्स सेल जो होते हैं ये नंबर में होते हैं 6 to 10 और यही बना रहे हैं सस्पेंसर, ठीक है, सस्पेंसर सेल्स। अभी देखो बच्चों, आपने बाइक वगैरह में ये नाम सुना होगा कि सस्पेंसर इसके काफी अच्छे हैं। सो सस्पेंसर का क्या मीनिंग होता है बच्चों? जो ऐसे एक स्प्रिंग के जैसा स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, ऐसे शॉक आने के बाद उसे
हम तक पहुंचने नहीं देता, स्पेशली सीट वगैरह में प्रेजेंट होता है जब हम गाड़ी के ऊपर बैठते हैं ना, टू व्हीलर पे, वहां पे तो सस्पेंसर जैसे वहां बाइक में काम करता है, वैसे ही ये एक सस्पेंसर है, ठीक है। और इस सस्पेंसर में क्या है, सो इस सस्पेंसर में इस तरह से ट्रांसवर सेल्स बने हुए है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ओके, अभी चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ट्रांसवर डिवीजन हो गया और ये कब फॉर्म होता है, यस इस वाले स्टेप के बाद में ही फॉर्म होता है। अभी आगे देखो बच्चों क्या होने वाला है, ये तो होगा चलो नीचे वाले एंड का, ऊपर वाले एंड में क्या होता है, ऊपर वाले एंड में यहाँ पे थ्री सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन होते हैं, ठीक है। ऊपर क्या हो रहा है, थ्री सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन, थ्री माइटोटिक डिवीजन कहाँ पे हो रहा है, ये थ्री माइटोटिक डिवीजन जो ये ऊपर वाला पोर्शन था छलाजल जो हमें आगे चल के एम्ब्रियो देने वाला है यहाँ पे। अभी यहाँ पे तीन माइटोटिक डिवीजन होने के बाद क्या होने वाला है, यहाँ पे एट सेल वाली स्टेज आ जाती है, एट यानी ऑक्टेंट, एट को क्या कहते हैं, ऑक्टा, और यहाँ पे नंबर ऑफ सेल कितने हैं, आठ प्रेजेंट है, इसलिए इस स्टेप को कहते हैं ऑक्टेंट, ऑक्टेंट, ठीक है, क्या कहेंगे। अभी यहाँ पे है ऑक्टेंट, अभी ऑक्टेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, चलो हम ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये है, ये पहले वाले ये चार सेल्स है जो है ये येलो कलर में, और हम इस ब्लू कलर से पीछे वाले जो चार सेल है ये भी ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सो इस तरह से ये हो गया कंप्लीट हमारा ऑक्टेंट, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ सेल कितने हो गए, अभी हमारे पास आठ नंबर ऑफ सेल हो गए ऊपर वाले पोर्शन में, ठीक है। सो अभी यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ये जो सस्पेंसर के सेल्स है और ये ऊपर वाला जो सेल्स है, ये सभी सेल अलग अलग काम करते हैं, ये सब एक ही काम नहीं करने वाले, ठीक है, इनके नाम अलग है, इनका फंक्शन भी अलग है। अभी देखो बच्चों यहाँ पे पहले हम बात करते हैं ऊपर वाले पोर्शन की यानी ऑक्टेंट की, ठीक है, जहाँ पे आठ सेल्स प्रेजेंट है। किस तरह से प्रेजेंट है ये आठ सेल, एक दो तीन चार, ये है अपर लेयर, ठीक है, ऊपर वाली। इसके नीचे है और चार सेल, और अभी देखो ये और जो चार सेल है, एक दो तीन चार, ठीक है। सो ये क्या हो गया, ऑक्टेंट। अभी ऑक्टेंट क्या करता है बच्चों, ये अलग अलग फंक्शन कर रहा है डिपेंडिंग अपॉन द लेयर। सो हम पहले बात करते हैं लोअर लेयर की, जो है ये ब्लू कलर वाला। सो ये लेयर वाला जो सेल्स है ये क्या करते हैं, ये बनाते हैं हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल, ठीक है, ये दोनों आगे चल के बनाने वाले हैं हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल, ठीक है। जो ब्लू कलर से लिखा है ये क्या है, ये जो लोअर सेल्स है ना बच्चों, ये है वो ऑक्टेंट जो बन रहा है ऊपर छलाजल एंड में। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्टेंट कैसे बना इसको नहीं भूलना, ऑक्टेंट बना कैसे यहाँ पे, यहाँ पे तीन बार माइटोटिक डिवीजन होता है और उसके बाद यहाँ पे आठ सेल्स बन जाती है। आठ सेल अभी अपने आप को कैसे अरेंज कर रही है, ये चार चार का ग्रुप बना रही है, चार ऊपर है और चार नीचे है। सो अभी जो नीचे के चार सेल्स है इसका हम क्या देख रहे हैं, फंक्शन देख रहे हैं कि आगे चल के क्या करने वाली है। सो ये जो नीचे प्रेजेंट है ये क्या करने वाले हैं आगे चल के, यस ये आगे चल के बनाने वाले हैं हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल। अब हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल क्या है इसको हम आगे देखने ही वाले, ठीक है। बस एक बात याद रखो कि रेडिकल से आगे चल के रूट बनने वाला है, ठीक है। सो ये करने वाला है फंक्शन हमारा लोअर लेयर ऑफ ऑक्टेंट, ये जो ऊपर वाले आठ सेल है इसमें से जो नीचे के चार सेल का ग्रुप है ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, हाइपोकोटाइल और रेडिकल को बनाते हैं ग्रोथ कंप्लीट हो जाने के बाद। अभी उसके बाद में देखो जो लोअर वाली लेयर होती है, सॉरी जो अपर वाली लेयर होती है ये क्या करती है, ये बनाती है प्लूम्यूल और कॉटलीडॉन। अपर वाली लेयर कौन से कलर से बनाई है हमने, येलो। सो जो अपर वाली लेयर है ये आगे चल के क्या बनाने वाली है, कॉटलीडॉन, कॉटलीडॉन और प्लूम्यूल कौन बनाने वाला है, ये अपर लेयर। अपर लेयर क्या बनाने वाली है, कॉटलीडॉन प्लस प्लूम्यूल बनाने वाली है,
ओके चलो ये हो गया ऑक्टेंट के बारे में, यानी अब ये आठों सेल क्या कर रहे हैं इसे हमने अच्छे से देखा। अब इसके बाद में बात करते हैं हम कुछ सेल्स की जो इस सस्पेंसर में प्रेजेंट है। सो सस्पेंसर सेल में जो इन्हीं जो आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहा है ना बच्चों, यहाँ इसका एक्चुअल पोजिशन लोअर है, ठीक है, ये ऐसा उल्टा इमेज है पूरा, ठीक है। सो ये वाला जो पोर्शन है ये एक्ट करता है, इट एक्ट्स, सॉरी इसको कहा जाता है हाइपोफाइसिस, ठीक है, इसे क्या कहते हैं हाइपोफाइसिस, और ये लोअर मोस्ट है, सबसे निचला है ये सस्पेंसर सेल्स में निचला है, क्योंकि ये वाला जो डायग्राम है ये कम्प्लीटली इस तरह से है, मतलब ये जो गोल पोर्शन है नीचे आना चाहिए और ये वाला ऊपर, बट आपको बुक में ऐसे ही दिया है सो आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम भी इसे इसी तरह से पढ़ रहे हैं, ठीक है। बस इस कंसेप्ट को याद रखो कि यहाँ पे ये जो हाइपोफाइसिस कहा गया है इसे, ठीक है, हाइपोफाइसिस, इसी हाइपोफाइसिस को आपके बुक में लोअर मोस्ट कहा गया है। सो इसको लोअर क्यों कहा गया है, क्योंकि ये ऐसा वाला डायग्राम है और यहाँ पे सिर्फ सस्पेंसर सेल की बात हो रही है, ठीक है। सो ये हाइपोफाइसिस जो है लोअर मोस्ट, हाइपोफाइसिस सबसे निचला, लोअर मोस्ट, क्या नाम है इसका, हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस कहाँ प्रेजेंट है, जहाँ ऑक्टेंट सेल है उसी को जो एकदम चिपक के लगा हुआ है ना भाई, ये कौन है, ये है लोअर मोस्ट वाला हाइपोफाइसिस, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, अभी बात करते हैं एकदम यहाँ की, ये वाले पोर्शन के। अब देखो यहाँ तक जो आपको सेल्स है सब यूनिफॉर्मली कैसे है, ट्रांसवर्स सेल्स है, ठीक है, ट्रांसवर्स सेल है, मतलब ऐसे आड़े आड़े जैसे ईंटें रची जाती है एक दूसरे पर ब्रिक्स, उसी तरह से आराम से एक के ऊपर एक रची हुई है। बट जो ये वाला पोर्शन है ना यहाँ का, ये कैसा लग रहा है, जैसे कुछ फूला हुआ है, लग रहा है ना जैसे कुछ खा पी के फूला हुआ है, सो उसी तरह से ये एक्चुअली में फूला होता है। और इस वाले पोर्शन को कहा जाता है हॉस्टोरियम, क्या कहा जाता है इसको, इसी को हम कहने वाले हैं हॉस्टोरियम, हॉस्टोरियम, ओके बच्चों समझ में आए यहाँ तक। सो ये है ऑक्टेंट, ऑक्टेंट में कितने सेल है, यहाँ पे आठ सेल प्रेजेंट होते हैं, चार चार के ग्रुप है, चार ऊपर चार नीचे, ठीक है, चार जो ऊपर वाला लेयर है ये चारों सेल का, ये आगे चल के कॉटिलीडॉन और प्लूमिल बनाने वाला है, जो चार सेल का निचले वाला ग्रुप है, नीचे वाला ग्रुप है वो बनाता है आगे चल के हाइपोकोटाइल और रेडिकल। अभी चलो ये ऊपर वाला जो गोल पोर्शन था ये फिनिश हो गया, अभी नीचे आते हैं। सो जो नीचे वाला सेल है यानी जो माइक्रोपाइल वाला था, ये क्या कर रहा है, अपने आप को ट्रांसवर्सली नए नए सेल में कन्वर्ट कर रहा है सेल डिविजन करके, और यहाँ पर एक सीरीज बन जाती है सेल की, ठीक है, ट्रांसवर्स सेल्स यहाँ पे बन जाते हैं। और ये सेल देखो क्या करने वाले हैं, ये सेल एक्चुअली ये जो सस्पेंसर सेल होता है ना, इनका क्या काम होता है, ये जो ग्रो होने वाला एम्ब्रियो है, ठीक है, इस एम्ब्रियो को ये क्या करते हैं, एंडोस्पर्म में घुसेड़ते रहते हैं, ढकेलते रहते हैं, क्यों, क्योंकि एंडोस्पर्म में खाना पीना न्यूट्रिशन स्टोर होता है। एंडोस्पर्म यानी क्या, हमने जो देखा था ना 3N ट्रिप्लॉइड वाला, तो ये क्या करता है, अपने आप में फूड को स्टोर करके रखता है, और इसी फूड की ज़रूरत होती है ये ग्रो होने वाले जायगोट को, एम्ब्रियो को, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए इसे जो खाना पीना चाहिए होता है, ये खाना पीना उसको कौन देने वाला है, जो एंडोस्पर्म आसपास प्रेजेंट है ना 3N ट्रिप्लॉइड वाले सेल्स जिनमें काफ़ी कुछ स्टोर है खाना पीना, वो देने वाले हैं, वहाँ से खाना लेने के लिए ये बेचारा जा नहीं सकता। सो दैट्स वाई जो सस्पेंसर सेल होता है ना, ये सस्पेंसर सेल क्या करते हैं, इसे ऐसे पुश करते हैं, धक्का देते हैं, उसे घुसेड़ते हैं कि तू जा एंडोस्पर्म में और वहाँ जाके खाना खा ले, ठीक है। सो ये फंक्शन होता है इस वाले सस्पेंसर सेल का, ओके। और इस सस्पेंसर सेल में ये वाला सेल जो डायरेक्टली इस एम्ब्रियो के साथ अटैच है, ये है हाइपोफाइसिस, जो इससे सबसे दूर है ये है हॉस्टोरियम, ठीक है। और जब इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि इसका पोजीशन कैसा होता है, सो ये है लोअर मोस्ट और ये है अपर मोस्ट, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये कैसा डायग्राम है, ये इन्वर्टेड है, ओके चलो यहाँ तक समझ में आया, ओके अभी हम आगे चलने वाले हैं। अभी देखो बच्चों आगे चल के जो हाइपोफाइसिस वाला पोर्शन है, इस हाइपोफाइसिस वाले पोर्शन का और सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है, और ये हमें देने वाला है आगे चल के एक रेडिकल और एक रूट कैप, ठीक है। रेडिकल और रूट कैप कहाँ से मिलने वाला है, ये जो हाइपोफाइसिस है ना, हाइपोफाइसिस का आगे सेल डिवीजन होता है, और यहाँ से हमें मिलने वाला है रेडिकल
और रूट कैप, इसके बारे में आपको ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाइपोफाइसिस सेल डिवीजन करने के बाद आगे कौन से दो पार्ट बनाता है। सो हाइपोफाइसिस से हमें मिलने वाला है रूट कैप एंड रेडिकल, दोनों भी क्या है, जो रूट सिस्टम होता है इस रूट सिस्टम का दोनों भी हिस्सा होते हैं, ठीक है। सो ये कहाँ से मिलने वाला है, ये मिलने वाला है सेल डिवीजन होकर। कहाँ का सेल डिवीजन हो रहा है बच्चों, सेल डिवीजन होने वाला है इस हाइपोफाइसिस का, जो है लोअर मोस्ट सेल ऑफ द सस्पेंसर सेल्स, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, वेरी गुड वेरी गुड। अभी यहाँ तक अच्छे से ये सारे स्टेप्स को एक बार रिवाइज कर लो। क्या है, पहले एक ओस्पोरेस का एक ही बार सेल डिवीजन होकर हमें दो सेल मिले, इस तरह से ऊपर वाला है छलाजल, नीचे वाला है माइक्रोपाइलर। जो छलाजा वाला है छो से छोटा, ये है छोटा, ठीक है। जो नीचे वाला है माइक्रोपाइलर, ये बड़ा है बड़ा है, ठीक है। इसी को क्या कहने वाले हैं हम, ये जो दो अलग अलग हिस्से हुए हैं, जो फर्स्ट वाला है छलाजल, इसको हम कहने वाले हैं टर्मिनल, या फिर इससे एम्ब्रियो बनने वाला है, दैट्स वाई एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल। एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल यानी एम्ब्रियो कंप्लीट बनने के पहले वाला इनिशियल वाला सेल। अभी देखो बच्चों, जो नीचे वाला पोर्शन है माइक्रोपाइलर, जो साइज में बिगर है, इससे हम कहने वाले हैं बेसल, या फिर इसी से आगे सस्पेंसर सेल बनने वाला है। सो दैट्स वाई सस्पेंसर इनिशियल सेल, ओके सस्पेंसर इनिशियल सेल। अभी चलो आगे बढ़ते हैं, आगे और तीन माइटोटिक डिवीजन होते हैं, और ये माइटोटिक डिवीजन कहाँ पे होने वाले हैं, ये जो ऊपर का है ना भाई साहब गोल, छह से छोटा, छह से छलाजा, यस, इस वाले पोर्शन में क्या होता है, तीन माइटोटिक डिवीजन होता है, और यहाँ पे आठ सेल्स बन करके तैयार हो जाते हैं। ये आठ सेल अपने आप को डिवाइड कर रहे हैं, चार ऊपर चार नीचे, और इन चारों ने अपने अपना एक सेपरेट ग्रुप बना लिया है, एक है हायर, एक है अपर और एक है लोअर, ऊपर वाला और नीचे वाला। सो देखो बच्चों, जो नीचे वाला है, नीचे वाला ये क्या बनाता है, हाइपोकोटाइल, हाइपो का मीनिंग नीचे होता है, ओके सो याद रखो, जो नीचे वाला लेयर ये बना रहा है हाइपोकोटाइल, और उसके साथ साथ बना रहा है रेडिकल। अभी चलो ऊपर आ जाओ, ऊपर वाला जो लेयर है ये आगे चल के बनाने वाला है कोटिलीडॉन एंड प्लूम्यूल, क्या बनाने वाला है, कोटिलीडॉन एंड प्लूम्यूल, ठीक है। यहाँ तक हो गया, अभी वापस से जो सस्पेंसर सेल्स है, सस्पेंसर सेल का यहाँ का पोर्शन जो डायरेक्टली ये आठ सेल को अटैच है, इसे हम कहने वाले हैं हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस सस्पेंसर सेल का सबसे निचला, सबसे लोअर, सबसे लास्ट वाला पोर्शन है, ओके यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। और जो सबसे यहाँ पे आपको ऐसा बड़ा हुआ फूला हुआ दिख रहा है, ये सेल है हॉस्टोरियम। हॉस्टोरियम क्या है, सस्पेंसर सेल का सबसे ऊपरी भाग है, जो खा पी के फूला हुआ है, सूजा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक हमने देखा, और अभी देखो बच्चों, जो ये हाइपोफाइसिस है जो डायरेक्टली यहाँ ये आठ सेल को अटैच होता है, ये आगे चल के रूट कैप और रेडिकल दोनों को बनाने वाला है। ये सब अच्छे से आप लोग रिमेम्बर कर लो, दिमाग में भर लो, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, ओके बच्चों। सो देखो हमने यहाँ तक देखा, अभी ऑक्टेंट सेल बनने के बाद क्या होता है, यहाँ पे कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन हो ही रहा है, और यहाँ पे जो ऊपर एम्ब्रियो बनने वाला है, सो ये पोर्शन अपने आप को एक सुंदर से शेप में कन्वर्ट कर लेता है, जो होता है एक हार्ट का, और यहाँ पे एक सुंदर सा हार्ट, एक दिल बन करके तैयार हो जाता है शेप में, ओके शेप है बस ये हार्ट के जैसा, और इसके अंदर ये सब सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी एम्प्टी नहीं है, ये पूरा सेल्स प्रेजेंट होता है इसमें, ओके ये एक स्टेज आ गई। और इसके बाद में देखो, ये ऊपर तो ये हार्ट शेप हो गया, बट नीचे जो सस्पेंसर सेल्स है एज इट इज वैसे ही है ट्रांसवर्स सेक्शन में, और ये जो नीचे वाला पोर्शन था, ओके ये नीचे वाला पोर्शन वैसे के वैसे ही फूला हुआ ही है अभी भी, ठीक है। अभी चलो आगे बढ़ते हैं, ये जो स्टेप है इसको कहने वाले हैं हम हार्ट, दिल, दिल के शेप वाला। अभी आगे ये जो दिल का शेप है ना बच्चों, ये डायरेक्ट पाँव में कन्वर्ट होने वाला है, पैरों में। किसका पैर, घोड़े का। घोड़े का पैर कैसा होता है, ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है, बट आप लोगों ने देखा होगा कि घोड़े के पैरों में नाल लगाते हैं, एक आयरन का कुछ स्ट्रक्चर होता है ना, इस तरह से कुछ, ओके जो बीच वाला अंदर का हिस्सा दिख रहा है आपको, ओके सो इसे कहते हैं हॉर्स शू।
यानी जो घोड़े की नाल होती है उसका शेप। सो हार्ट था पहले, अभी वो कन्वर्ट होके होने वाला है हॉर्स शू शेप। देखो यहाँ पे जैसे दिख रहा है इस तरह से, ठीक है। ये ऐसा क्यों कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अभी हम स्टडी कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो डायकॉट सीट की, यानी ऐसे सीट्स, ऐसे बीच जिसमें दो इक्वल हिस्सा निकलता है। जैसे कि आप लोगों ने खाए हैं चने, तो चने में क्या होता है, चने में दो अलग अलग हिस्से निकलते हैं एक बीज में से, एक बीज को, सॉरी एक हिस्से को कहते हैं कॉटिलीडॉन, ठीक है। ये जो हिस्से दो अलग अलग निकल रहे हैं इन्हें कहा जाता है कॉटिलीडॉन, दो है इसलिए डायकॉट या फिर डायकॉटिलीडॉन। सो यहाँ पे जो हॉर्स शू शेप का स्ट्रक्चर आ रहा है ना इस तरह, जैसे दो यहाँ पे अलग अलग चले गए, पहले तो इतना सुंदर हार्ट था वहाँ से पैरों में चला गया, क्यों हो रहा है ये, क्योंकि ये फ्यूचर प्लानिंग चल रही है, क्योंकि यहाँ से आगे बनाने हैं हमें दो दो कॉटिलीडॉन या फिर दो दो दल बनाने हैं एक सीड या फिर एक बीज के, ठीक है। सो ये आ गया हॉर्स शू शेप। अभी देखो बच्चों, जितने भी स्टेप्स हम पढ़ रहे हैं ना ये सब रिलेटेड टू है ऊपर वाला जो एम्ब्रियो वाला पोर्शन है उसमें, ठीक है। फर्स्ट में क्या था, आठ सेल थे, फिर वो आठ सेल से उन्होंने एक दिल का शेप बनाया, एक हार्ट का शेप बनाया, वहाँ पे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हर बार नंबर ऑफ सेल जो इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि सेल डिवीजन कंटिन्यूसली हो रहा है। और अभी आगे चलो, आगे चल के क्या कर दिया इन्होंने, हार्ट से ये बन गए हॉर्स शू शेप्ड, शू शेप्ड, ठीक है। ये एक स्टेप आ गई इनकी, और इस वाले स्टेप में क्या होता है, ऊपर वाला जो पोर्शन है ये इस तरह से इस शेप का दिखता है, और इसमें भी सब सेल्स प्रेजेंट है बच्चों, ठीक है। मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किए थे बट ये कम्प्लीटली सेल से भरा हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पे एम्प्टी कुछ भी नहीं है, हर जगह सेल्स प्रेजेंट है, ओके। सो ये हो गया हॉर्स शू शेप, और जो नीचे वाले सेल्स है ना सस्पेंसर एंड ऑस्टोरियम, ये एज इट इज ऐसे कैसे रहने वाले है, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। तो ये हम स्टडी कर रहे हैं पूरा एम्ब्रियोजेनेसिस, अभी हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, आपका जो टेक्स्ट बुक में अच्छे से दिया हुआ है ना डायग्राम उसको वापस से देख लेते हैं ताकि अच्छे से आपको वापस समझ में आ जाए, ओके। सो ये वाली डायग्राम आपको दी गई है बुक में। सो देखो बच्चों, इसमें क्या होने वाला है या फिर इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। ये वाला जो हमने जितने भी डायग्राम्स ड्रॉ करके देखे थे वो पूरा ऊपर का ये वाला पोर्शन है, ठीक है। ये है एक उस पोर, उसमें से दो सेल बने, फिर दो सेल में छलाजर और माइक्रोपाइलर अलग अलग होते हैं, ऊपर बन गए आठ सेल, नीचे बन गया सस्पेंसर, सस्पेंसर बन गया। उसके बाद में ये वाला जो डायग्राम है ना बच्चों, ये वाला डायग्राम एक LS है, LS यानी लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है। सपोज यस, अगर आपके पास ये पेन है, इस पेन का आपको LS लेना है लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन, तो आप इसको इस तरह से कट करेंगे, ठीक है, बीचों बीच से इस तरह से कट करेंगे, इस तरह के सेक्शन को, इस तरह के कटिंग को LS कहा जाता है। सो एक एम्ब्रियो सैक जिसमें एम्ब्रियो का ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, इसका ये LS है, यानी उसको लॉन्जिट्यूडनली कट करके देखा है कि अब इसमें क्या चल रहा है, ठीक है। सो क्या चल रहा है उस वाले में, देखो बच्चों, ये जो है एंडोस्पर्म है, ओके, ये जो फैला हुआ है ना न्यूक्लियर सेल, हमने देखा था न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, जिसमें क्या होता है एंडोस्पर्म के सेल्स बस बॉर्डर से प्रेजेंट होते हैं, सो उसी तरह का ये एंडोस्पर्म यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। और देखो बच्चों, जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं वो वाला पोर्शन ये यहाँ पे है, सस्पेंसर नीचे वाला पोर्शन, ठीक है। हम जिसके बारे में स्टडी कर रहे हैं वो वाला पोर्शन यहाँ पे बैठा हुआ है जो है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो, ठीक है। और देखो बच्चों, ये जो है, ये जो हमने एंटीपोडल सेल्स देखे थे ये वो वाले सेल्स है, ठीक है। इन सभी का जो एब्रिवेशन है इसको इलाबोरेट यहाँ पे साइड में किया हुआ है, आप बुक में अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो चलो वापस से हमारा जो एम्ब्रियो है इसको हम जूम कर लेते हैं, और जूम करके देखो ये हार्ट शेप वाला जो हमने स्टेज देखा था जिसमें ऊपर वाला जो सेल है ऑक्टेंट वो अपने आप को सेल डिवीजन कंटिन्यूस करके हार्ट शेप में कन्वर्ट करता है, ये वो वाला डायग्राम है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, ऊपर वाले जो सेल है इन्होंने यहाँ पे अपने आप को हार्ट शेप में कन्वर्ट कर लिया है, ये वापस से सेम है, ओके, नीचे के सब सेल्स, यहाँ पे अभी कोई भी इतना कुछ फर्क नहीं हुआ है, हम सिर्फ ऊपर की बात कर रहे हैं। अभी यहाँ पे देखो आगे क्या हो गया, अभी ये जो एम्ब्रियो है ये एम्ब्रियो यहाँ पे है इस वाले डायग्राम में, देखो F को यहाँ पे क्या कह के डिनोट किया गया है, कहाँ दिख रहा है आपको, वेयर इज F, यस, ये है LS ऑफ ओव्यूल, ठीक है, ओव्यूल का ये वापस से एक LS है जिसमें यहाँ पे एम्ब्रियो क्लियर दिखाई दे रहा है और एंटीपोडल सेल यहाँ से गायब हो गए हैं,
चलो अभी ये हार्ट शेप के बाद आता है ये वाला स्टेप, जिसमें क्या हो रहा है, हॉर्स शू शेप बन रहा है घोड़े की नाल की तरह, हॉर्स शू शेप्ड। सो ये बन गया ये वाला स्टेप। अभी देखो यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं ना, ये दो हिस्से अलग अलग, ये आगे चल के देने वाले हैं कॉटिलीडॉन्स। क्या देने वाले हैं? कॉटिलीडॉन्स। इसके नीचे वाला जो ये पोर्शन है, ये देने वाला है हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल ये वाला जो पोर्शन है नीचे का, ये देने वाला है रेडिकल। रेडिकल और उसके नीचे है रूट कैप। ठीक है, ये आरसी जो यहाँ है ना, इसका मतलब है रूट कैप। वापस से ये आ गए हमारे सस्पेंसर सेल्स। ठीक है, सस्पेंसर सेल का मेन क्या फंक्शन है कि ये जो ऊपर ग्रो हो रहा था हमारा, क्या ग्रो हो रहा था? एम्ब्रियो। इस एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म में ढकेलने का काम, एंडोस्पर्म में पुश करने का काम कौन करता है? ये वाले सस्पेंसर सेल्स करते हैं। ठीक है, सो अभी देखो बच्चों, यहाँ तक था डेवलपिंग स्टेज, अभी कंप्लीट डेवलपमेंट हो चुका है, ये लास्ट स्टेज है हॉर्सशू शेप वाला। उसके बाद ये जो सेल है, ये एक कंप्लीट सेल है या फिर एक कंप्लीट एम्ब्रियो है, जिसका जेनेसिस यानी जो एम्ब्रियो डेवलप हो चुका है। अभी इस वाले एम्ब्रियो में देखो क्या है बच्चों, प्लूम्यूल है, कॉटिलीडॉन है, देन हाइपोकोटाइल, रेडिकल, रूट कैप। बट यहाँ पे एंडोस्पर्म दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा। एंडोस्पर्म दिखाई भी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि देखो एंडोस्पर्म में जो न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है, ये न्यूट्रिशन क्या करता है, बढ़ते हुए एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एंडोस्पर्म। सो जो एंडोस्पर्म बढ़ रहा है, ये क्या करता है, जो न्यूट्रिशन को चाहिए होता है, ये पूरा जो 3N ट्रिप्लॉइड वाला जो एंडोस्पर्म होता है, उससे अपना न्यूट्रिशन खींचते रहता है। किसके हेल्प से? सस्पेंसर सेल इसको पुश कर रही है। कहाँ पे? कि जा तू खा ले, क्या खाना है एंडोस्पर्म से, और ये एंडोस्पर्म को खा रहा है। खा खा कर ये बड़ा हो गया, और ये अभी क्या, इसने क्या किया देखो बच्चों, जो एंडोस्पर्म था उस एंडोस्पर्म को फिनिश कर दिया। एंडोस्पर्म इज फिनिश्ड। एंडोस्पर्म को पूरा खा लिया है और एम्ब्रियो बन करके रेडी हो गया है। सो ये थी सिंपल सी प्रोसीजर, किस चीज़ की? एम्ब्रियो जेनेसिस, यानी एम्ब्रियो किस तरह से बनता है इसके। ठीक है, सो आई होप कि ये पूरी प्रोसीजर आपको समझ में आई होगी, और इसको अच्छे से रिवाइज करो, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।